राइनोप्लास्टी सर्जरी के नुकसान। यस दोस्तों, राइनोप्लास्टी सर्जरी के भी नुकसान हैं, बट वीडियो में आगे बढ़ने पर ये कि बेल आइकॉन को एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे दोस्तों अनेक उपयोगी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, राइनोप्लास्टी से बहुत अच्छा हमें डिस्कस करते हैं, अच्छा लगता है, बड़ी रिवार्डिंग सर्जरी है, बट हर ऑपरेशन के, हर प्रोसीजर के नफा नुकसान, फ़ायदा नुकसान दोनों होते हैं। बात करते हैं क्या वो नुकसान है जो राइनोप्लास्टी से हो सकते हैं। दोस्तों, राइनोप्लास्टी सर्जरी अगर हमारी जो है एक नोज का जो बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है, क्योंकि हमारा नोज जो है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, सो अगर उसको एक अच्छी टेक्निक से नहीं करते हैं तो कई बार मैं आपको बता देता हूँ, कुछ तो इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन होते हैं। इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं दोस्तों, उनमें क्या होता है कि नाच के कई बार जो है ब्लीडिंग ऐसी होती है जो कंट्रोल नहीं आती है, नाक के ऊपर जो है कई बार मल्टीपल इंसिजंस होते हैं, नाक के ऑपरेशन के दौरान अगर बहुत बार ब्लीडिंग नहीं रुकती तो बहुत सारे ब्लीडिंग रोकने के लिए कोटरी वगैरह बहुत ज़्यादा सर्जन लगाता है, तो बहुत सारा नाक में सूजन आ जाती है, आँख के आसपास यहाँ पे सूजन आ जाते हैं, यहाँ पे क्या है जो रेड रेड हो जाता है, ये दोस्तों इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस हैं। टेक्निक अच्छी नहीं हो तो कई बार बहुत दिनों तक पेन नहीं जाता, ये इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस हैं दोस्तों। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं दोस्तों, तो कई बार क्या होता है कि जो है नाक के जो है वो अगर सर्जरी की जो है टेक्निक सही नहीं है तो जो हमारी प्रॉब्लम थी उसमें और प्रॉब्लम्स एड ऑन हो जाती हैं। कई बार नाक आपका पहले टेढ़ा नहीं होता, सर्जरी के बाद वो टेढ़ा हो सकता है। कई बार हमारे नाक के ऊपर जो है हमारा जो है जो इंसिजन को क्लोज करने की टेक्निक प्रॉपर नहीं है, तो दोस्तों उसमें क्या है कि जो बाहर से जो स्कार नहीं था वो स्कार भी क्रिएट हो सकता है, एंड कई दिनों तक जो है नाक के अंदर जो है आपकी टेक्निक ठीक नहीं थी, तो नाक का जो ऑपरेशन से पूर्व जो आपका नोज ब्लॉक नहीं था वो ब्लॉक भी रह सकता है, बाद में नोज ब्लॉकेज की कंडीशन भी बन सकती है, क्योंकि नाक में कई बार साइनेकिया बन जाते हैं। सो दोस्तों, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो राइनोप्लास्टी से इमीडिएट और लेट आपके हो सकते हैं, बट इसमें सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों जो है वो वर्कअप जो होता है, जो डॉक्टर वर्कअप करता है, एंड डॉक्टर ने वर्कअप अच्छे से किया है, एंड उस वर्कअप में ये निकाला जाता है कि ये जो इस मरीज की समस्या है वो मेरी जो स्किल है राइनोप्लास्टी करने की वो उसके दायरे में आती है, तो ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, उन सब से बचा जा सकता है। दूसरी बात जो हम पेशेंट के लिए लागू होती है कि पेशेंट ने डॉक्टर को दिखाने के बाद ये जज किया है कि ये डॉक्टर मेरी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सूटेबल कैंडिडेट है या नहीं। दोस्तों, बहुत बार आपकी विकृति इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है कि सामने वाला जो है वो कई बार ये नहीं मान रहा है कि मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता, उसके दिमाग में है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, फिर भी उसने हाँ कर ली, तो कई बार ये सारे नुकसान जो हम इमीडिएट और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस की बात कर रहे हैं वो हो सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें दोस्तों अवॉइडेबल है, प्रिवेंटिव है, अगर आपने अपना सर्जन का चुनाव अच्छा किया है। नंबर दो, अगर सर्जन ने एक अच्छे पेशेंट का चुनाव किया है तो आपके ये कॉम्प्लिकेशंस, ये नुकसान जीरो हो सकते हैं, अगर आपकी टेक्निक मेटिकुलस है। अगर आप दोनों ने अपना ध्यान नहीं दिया है, सर्जन ने जो है प्रॉपर पेशेंट का चुनाव नहीं किया एंड पेशेंट ने प्रॉपर सर्जन का चुनाव नहीं किया, सो दोस्तों डेफिनेटली कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो फिर ये सब को ठीक करने के लिए रिविजन राइनोप्लास्टी सर्जरी की ज़रूरत है। सो देखा दोस्तों आपने कितनी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। यू कैन शेयर दिस इन्फॉर्मेशन टू योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड कलीग्स कि राइनोप्लास्टी ऑपरेशन के भी ये नुकसान हो सकते हैं। थैंक यू।